फर्स्ट इंडिया पर सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और फिलहाल पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी विश्लेषण लेते हैं। योगेश जी, बहुत बड़ी खबर है कांग्रेस के लिहाज से, क्योंकि सुखजिंदर सिंह रंधावा नए प्रदेश प्रभारी कांग्रेस के, पूरा का पूरा इंचार्ज उनके पास में, चैलेंजिंग रोल, क्या कहेंगे? कई बार कोई जट सिख स्थान की कांग्रेस का प्रभारी बना है, हो रहा है चाहे कि मान को ऐसा नाम चाहिए था और फैसले कर सके, समान के अनुसार राजस्थान में फैसले होने हैं, उन पर जो कहे डिसीजन उनका प्रभारी थे जी। जिनका नाम पंजाब में जब मुख्यमंत्री सरगर्मियां चली थी, कौन बनेगा अमरिंदर सिंह के बाद मुख्यमंत्री, उस वक्त में श्री रंधावा का नाम चला था, नहीं पाया और चन्नी बन गए थे जी। कांग्रेस के पंजाब के बड़े नेता है, स्थान से सटा हुआ राज्य है, वो समझते हैं पार्टी का जो की तरफ भी दिखाई दे रहा है उकने के मद्देनजर भी सुखबीर सिंह रंधावा गार्ड हो सकते हैं, जो हनुमानगढ़ गंगानगर इस क्षेत्र कहलाता है राजस्थान का, व्यक्त डालने का काम वो करेंगे। ये जो अदिति ने भी कहा कि चुनौतियां उनके में खड़ी है, बहुत वर्षे सचिन पायलट कैंप जो इस समय में राजस्थान कांग्रेस के अंदर, सितंबर को बैठक हुई बार महेश जोशी धर्मेंद्र राठौड़ को जो नोटिस मिले, तो आगे के स्टेप्स को लेकर होनी है। अब प्रभारी के नाते सुखबीर सिंह रंधावा को सिरे से राजस्थान की कांग्रेस के अंदर आने की बात पर न होगा, 2000 चुनाव है की मनाने का काम उन्हें करना होगा जी। होगा सुखबीर सिंह रंधावा, अब क्योंकि यात्रा भी राहुल गांधी की चल रही है, यात्रा को भी वो ज्वाइन करेंगे, और कोई यात्रा के जरिए काम रंधावा की ओर से किया जाएगा। वो आकलन था कि क्या अभी क्या हरिप्रसाद होंगे, जो कहा जा सकता कयासों से अलग हटकर निर्णय ने किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया जी। पर विश्वास पात्र जो नेता है, किसी ने विश्वास जताया है, इसीलिए रंधावा को गया। तो आगे का रोड में क्या होगा, हाँ आएंगे तभी पता रहेगा। तो यह है पाना एक मुश्किल होगा जी। देखेंगे आकर योगेश जी, पृष्ठभूमि भी जब देखें तो परिवार की ओर से भी हमेशा कांग्रेस की विचारधारा का समर्थन, और खुद उनके पिता संतोख सिंह अपने जमाने के वरिष्ठ कांग्रेसी रह चुके हैं, दो बार पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष, तो कहीं ना कहीं एक जो पूरी पीढ़ी है वो कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुकात रखती है, और आलाकमान का विश्वास भी इसी को लेकर के डेवलप आगे हुआ होगा। अभी देश की कांग्रेस में बढ़ाने का काम करा सुखबीर सिंह रंधावा, राउंड अप उनकी पूरा पारिवारिक देखेंगे, ये करीब रहे इनका परिवार जी। करीब रहा ये देखी जाती है कांग्रेस के अंदर, कहा जाता है बात बड़े फैसले लिए जाते हैं कि तो लिए गए नजर लिए गए हैं कि कांग्रेस पार्टी इकाई को जान फूंकने का काम करेंगे, देने का काम करेंगे। इस मतभेद जो यहाँ व्याप्त है चीजों के बीच और भी कई नेताओं के बीच करने का काम करेंगे। राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की कोशिश होगी वो तोड़ने का काम करे, एक रणनीति व्यापक बनाई जाए। भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में चल रही है जी। पर रंधावा के हाथों होने के मद्देनजर ये
अजय माकन ने चिट्ठी लिखकर कह दी थी कि वो अब फिर शरण प्रभारी नहीं रहेंगे। जी योगेश जी, तो ये मानकर चले क्योंकि भारत जोड़ो राजस्थान में है, इस दौरान अभी अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में रहेगी, तो नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर नजर वो जल्द ही आ सकते हैं इस नई भूमिका के साथ में राजस्थान में? आएंगे क्योंकि यात्रा आज तो पहला दिन था। बिल्कुल योगेश जी, आपको रुकना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ में खाद्य और आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जुड़ चुके हैं। प्रताप सिंह जी, बड़ा ऐलान किया है आज पार्टी ने, सुखजिंदर सिंह रंधावा को जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश कांग्रेस प्रभारी की, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? नो डाउट, केंद्र नेतृत्व तो जो भी जिम्मेदारी देता है, जिनको भी देता है, वो सब हमारे प्रभारी भी हमारे नेता है, हम सब उनकी नियुक्ति का स्वागत करते हैं और पार्टी जो उसका फैसला करती है वो सोच समझ कर करती है और हम पार्टी के फैसले के सब पूरी कांग्रेस साथ करती है। प्रताप सिंह जी, आपको आवाज मेरी आ रही है ठीक से? आ रही है आपकी आवाज। मेरा सवाल यही था कि अब जब नई जिम्मेदारी उन्हें मिली है और इससे पहले भी दो प्रभारी रह चुके हैं, अब उनको जिम्मेदारी मिलने के बाद में आपको क्या लगता है पार्टी को एकजुट करने की कोशिश, और कई मौकों पर हमने देखा भी है एकजुटता की वो तस्वीरों मैसेज, क्या करेंगे वो आकर सबसे पहले, जिसकी वजह से एक बार फिर से जो नई जिम्मेदारी है उसको लगता है कि प्रॉपर एक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा उसका? उनके नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश का कांग्रेस का कार्यकर्ता, राजस्थान का कांग्रेस का कार्यकर्ता, हम सब भारत जोड़ो यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं, तो ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं पार्टी। तो अब ये मानकर चले कि भारत जोड़ो क्योंकि राजस्थान में है, जल्द ही नजर आएंगे सुखजिंदर सिंह रंधावा भी प्रदेश प्रभारी के तौर पर आने वाले दिनों? नो डाउट, प्रभारी निश्चित रूप से, जब प्रभारी की जिम्मेदारी दी जाती है तो उनके ऊपर बड़ा दायित्व आया, तो निश्चित रूप से राजस्थान पधारेंगे, हम सब उनका स्वागत करेंगे। बिल्कुल, चलिए शुक्रिया प्रताप सिंह जी, आप जुड़े हमारे साथ में और बातचीत अपनी की। तो सुखजिंदर सिंह रंधावा को नई जिम्मेदारी, और फिलहाल हमारे अमित मिश्रा जी भी जुड़ चुके हैं। अमित जी, राजस्थान की राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, सुखजिंदर सिंह रंधावा को चार्ज सौंपा गया है नए प्रदेश प्रभारी का कांग्रेस की, क्या कहेंगे आपका विश्लेषण क्या कहता है उनके चुनाव पर? देखिए, सुखजिंदर सिंह रंधावा पंजाब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं और संगठन में उनकी पकड़ है और राहुल गांधी की टीम जो है उससे करीबी माने जाते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने की बात की तब इनका नाम आया था उप मुख्यमंत्री के लिए और तब बात बनी नहीं थी, उसके बाद इनको संगठन में कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश लगातार जारी रही है और ये माना जाता है कि हरीश चौधरी जो राजस्थान के पूर्व मंत्री रहे हैं, पंजाब का प्रभार है उनके पास, उनके एक करीबी भी रहे हैं और कुल मिलाकर ये है कि ये जो पुरानी टीम थी अजय माकन हरीश चौधरी जो पंजाब का चुनाव देख रहे थे उनके साथ रंधावा ने काफी काम किया है पहले ही पंजाब चुनाव के दौरान, तो अब एक नई जिम्मेदारी उनको मिली है, राजस्थान का प्रभार मिला है अजय माकन के इस्तीफे के बाद, अजय माकन का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है और अब नए प्रभारी के तौर पर सुखजिंदर सिंह रंधावा राजस्थान का कार्यभार देखेंगे। कुल मिलाकर इनकी जो एक्सेस है इनका वो प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के यहाँ है और इसी वजह से सुखजिंदर सिंह रंधावा को पहले भी कुछ कार्य जो सौंपे गए थे पंजाब चुनाव से रिलेटेड वो इसी वजह से सौंपे गए थे और यही वजह थी कि सुखजिंदर सिंह रंधावा जब मुख्यमंत्री के कुछ नाम आए थे जिसमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम था, जो बाद में फाइनल हुआ तो उसमें सुखजिंदर सिंह रंधावा का भी नाम था, जट सिख समाज से आते हैं और उसमें उनकी पकड़ है, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को रिप्लेस करने की एक टीम बनी थी उसमें रंधावा भी थे, तो कुल मिलाकर ये सामने बात है कि रंधावा को एक बड़ी पोजीशनिंग दी गई है राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और सामने एक बड़े नेता सचिन पायलट भी हैं। बिल्कुल अमित जी, देखिए राजस्थान की राजनीति और राजस्थान की सियासत बेसिकली नेचर में और ट्रीट में देखा जाए तो फ्लक्चुएट करती रहती है, जिम्मेदारी जब उन्हें नहीं मिली है तो आपको क्या लगता है कौन सी वो दो बड़ी चुनौतियां या दो बड़े टास्क होंगे जो उनके अभी दायित्व पर है? बिल्कुल, देखिए जो राजस्थान के हालात हैं उस हालात में अगला उनका जो सबसे टफ वर्क है वो चुनाव का है, चुनाव किस तरह से वहां हो, अच्छे चुनाव हो और सरकार कैसे रिपीट हो, नेतृत्व तो उसके बाद आता है कि किसको नेतृत्व तो किसको जिम्मेदारी दी जाती है, संगठन
में जहां जो कमियां हैं उसको सुधारने की कोशिश रंधावा करेंगे। और रंधावा, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया, रंधावा चूंकि सीधे गांधी परिवार से उनका एक्सेस है, तो वो एक तरीके से वहां पर उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ही इस बात के संकेत दे दिए थे कि जो व्यक्ति काम नहीं कर सकता है उसके जगह पर नए व्यक्ति की नियुक्ति होगी। तो अब ये नए व्यक्ति की नियुक्ति आज तीन लोगों को दिए गए, जिसमें कुमारी शैलजा को महासचिव के साथ साथ छत्तीसगढ़ का प्रभार दिया गया, और शक्ति सिंह गोहिल को दिल्ली के साथ साथ हरियाणा का प्रभार दिया गया, और सुखविंदर सिंह रंधावा को राजस्थान का प्रभार दिया गया है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो अब साफ तौर पर कांग्रेस संगठन से जुड़ी हुई है, और संगठन जो फरवरी में भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो प्लेनरी सेशन एसीसी का रायपुर में होना है उसके पहले पूरा संगठन बनाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है राजस्थान की प्रदेश इकाई के भी जो संगठन में कमियां हैं उन कमियों को रंधावा दुरुस्त करेंगे, और वहां नेतृत्व किसके जिम्मे होगा, किसके नेतृत्व में अगला चुनाव होगा, ये सारी स्थितियां थोड़े दिन में साफ हो जाएंगी। अमित जी, इस मौके पर अजय माकन का वो पत्र भी याद आ रहा है जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफे की पेशकश की थी, और उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एक नई जिम्मेदारी का निर्वहन करने की इच्छा उनकी है, लेकिन जब बदलाव हुए तो फिलहाल वो एक साइडलाइन अब शायद नजर आ रहे हैं इस पूरे फैसले के बाद भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ और हरियाणा की अलग जिम्मेदारियां अब देखी हमने। इस पर आप क्या कहेंगे, जो दलील उन्होंने दी थी कि अलग जिम्मेदारी दिल्ली में मुझे निभानी है अब आने वाले दिनों में? फिलहाल दिल्ली में तो देखिए कोई जिम्मेदारी की जगह है नहीं, दिल्ली में जो जिम्मेदारी है वो मौजूदा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, वो निभा रहे हैं। एनसीपी का चुनाव हो चुका है, अभी उसके रिजल्ट आने बाकी हैं। हाँ, उसके बाद अगर अजय माकन को किसी प्रदेश का जनरल सेक्रेटरी नियुक्त किया जाता है तो वो एक नई भूमिका उनकी होगी। हालांकि जो स्टीयरिंग कमेटी है उसके प्रमुख सदस्य हैं माकन अभी भी, और माकन की सबसे जो बड़ी भूमिका है वो उनका एक्सेस गांधी परिवार के साथ है, राहुल गांधी के करीबी उनके टीम के माने जाते हैं। तो आगे आने वाले समय में माकन को कोई बड़ी भूमिका मिल सकती है, फिलहाल वो अभी अपना इस्तीफा दे चुके हैं, तो इस्तीफा देने के तुरंत बाद आज जैसे इस्तीफा उनका मंजूर होकर नए प्रभारी राजस्थान को मिले हैं, तो कुछ दिनों के बाद उन्हें भी कोई प्रदेश का प्रभार दिया जा सकता है। तो अमित जी, मानकर चलिए कि विगत 25 सितंबर का जो भी वाकया हुआ उसके बाद में अपने इस्तीफों की पेशकश की थी, हालांकि एक ही पन्ने पर लिख दिए थे, वो भी अब साइड हो गए, उसके बाद में अनुशासनात्मक कार्रवाई भी नहीं हुई और प्रदेश कांग्रेस को नए प्रभारी मिल गए हैं, तो पूरा घटनाक्रम यहां पर खत्म है, चैप्टर क्लोज मानकर चले इसे? अभी देखिए इसके चैप्टर क्लोज नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो अनुशासनात्मक समिति है उनके पास मैटर वो लंबित है, और वो तभी कोई उसमें बदलाव होंगे जब राजस्थान में नेतृत्व का बदलाव होगा या नेतृत्व पर जो संशय है वो हटेंगे। तो फिलहाल राजस्थान में अशोक गहलोत के पास नेतृत्व है, वो वहां की कमान संभाले हुए हैं, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के तहत कोई चीज नई नहीं होगी। उसके बाद अगर संगठन को लगेगा कि हाँ चुनाव में कोई भूमिका अलग से सचिन पायलट को देनी है तो उस भूमिका का निर्वहन होगा, लेकिन फिलहाल ऐसे कोई संकेत मिल नहीं रहे हैं। हाँ, अब नए प्रभारी गए हैं तो ये अपना नया वहां पर कार्यभार देखेंगे, नई तरीके की भूमिका किसको क्या देनी है उसका रिकमेंडेशन करेंगे, और फिर जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उस पर विचार करेंगे। अमित जी, आपने भारत जोड़ो का जिक्र किया और फिलहाल कांग्रेस का पूरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भारत जोड़ो पर है, राजस्थान में दिनों में है, तो ये मानकर चले कि इसका कोई एक रिवाइज स्केड्यूल वापस से जारी होगा जिसमें वो प्रभारी के तौर पर राजस्थान में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं और भारत यात्री के तौर पर राहुल गांधी के साथ राजस्थान में नजर आएंगे क्या? बिल्कुल, अब से थोड़ी देर पहले जो उनसे बातचीत हुई है उसके मुताबिक एक या दो दिन में ही वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे, क्योंकि अब उनको फुल क्लेजेड उनके नाम का रिलीज आ चुका है, और जो हमारी बात हुई उसके तहत कल तो नहीं परसों से वो हो सकता है कि या एक दो दिन का जिक्र उन्होंने किया, उसके बाद वो भारत जोड़ो यात्रा में खुद शामिल होंगे, और वहाँ जितने दिन यात्रा रहेगी उस यात्रा में वो पूरी तरीके से अगुवाई करेंगे संगठन की ओर से। अमित जी, ये तो बात हुई उनके उनके नाम के ऐलान की, लेकिन इससे पहले जब नामों के बारे में और भी वरिष्ठता देखी जा रही थी तो शक्ति सिंह गोहिल और या फिर कुमारी शैलजा कई नाम सामने आए थे, अब प्रभार उन्हें भी सौंपा गया है, राजस्थान कांग्रेस को नए प्रभारी मिले हैं तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ को भी नए मिले हैं, उस पर क्या कहेंगे? छत्तीसगढ़ और हरियाणा दोनों को नया प्रभारी मिला है। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के दौरान जो गड़बड़ी हुई थी उसके बाद विवेक बंसल ने को इस तरीके से हटाने के लिए कहा गया था, और खुद राहुल गांधी काफी नाराज थे विवेक बंसल के कारण कामकाज से, इसलिए उनको ड्रॉप कर दिया गया स्टीयरिंग कमेटी से भी, और अब नए प्रभारी के तौर पर शक्ति सिंह गोहिल को दिया गया। शक्ति सिंह गोहिल राज्यसभा के सांसद हैं, गुजरात से दिल्ली का प्रभार उनके पास है, फिलहाल
दिल्ली में जो एमसीडी के चुनाव हो रहे थे और आज गुजरात में भी चुनाव हो रहे थे, तो उस पद से उन्होंने अपने आप को अलग किया था और एक नई जिम्मेदारी हरियाणा की भी उनको दी गई है। कुमारी शैलजा बड़ा कद है, दलित नेता हैं, हरियाणा से ताल्लुक रखती हैं और जनरल सेक्रेटरी वो पहले से हैं, तो उनको अब छत्तीसगढ़ पीएल पूनिया की जगह पर दिया गया है प्रभार। अब वहां भी अगले साल चुनाव होने हैं राजस्थान के साथ साथ, तो कुमारी शैलजा के लिए भी चुनौतियां उतनी ही बड़ी होंगी जितनी बड़ी सुखविंदर सिंह रंधावा के लिए, क्योंकि वहां भी मुख्यमंत्री बघेल के साथ की टीएस सिंहदेव का एक अलग खेमा है, दोनों खेमों में सामंजस्य बैठाना भी एक बड़ा जरूरी काम कुमारी शैलजा के लिए होगा। बिल्कुल अमित जी, मेरा अगला सवाल भी वही था कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अगले साल चुनाव और उसके बाद हरियाणा की अगर देखें तो लगता हुआ राज्य है और अब प्रभावित होती है राजनीति, अगर यहाँ होती तो वहां पर भी मुद्दे प्रभावित होते हैं, क्या ये कह सकते हैं कि जब यहाँ गुजरात और हिमाचल के एग्जिट पोल सामने आने लगे हैं तो क्विक अभी कांग्रेस कोई भी कोताही नहीं बढ़ना चाहती बरतना चाहती जो भी नतीजे हो, लेकिन दूसरे राज्य की तैयारी और होमवर्क अभी से शुरू? बिल्कुल, इसी का जिक्र कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में जो अध्यक्षीय भाषण था उसमें दिया था और उसमें साफ साफ ये पूछा था कि जो प्रभारी हैं वो अपने प्रभार वाले राज्य कितने दिन जाते हैं, कितने वहाँ के जो सरकारें हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो वहाँ के प्रभारी के नेतृत्व में कितने आंदोलन होते हैं राज्य सरकार के खिलाफ। तो ये तमाम ऐसी बातें थी जिसको लेकर साफ लग रहा था कि जो अध्यक्ष के तौर पर खड़गे आए हैं तो उन्होंने एक अनुशासनात्मक दिशा निर्देश पार्टी को देना शुरू कर दिया है और जो लोग काम के रहेंगे उन्हें अपना काम दिखाना पड़ेगा, कहा ये उनके लिए काम जो उनके हिस्से आया था वो उन्होंने पूरे जिम्मेदारी के साथ पूरा किया है और पार्टी को खड़ा करने का काम किया है। तो संगठन के मामले में जो अभी तक एक तरीके से शिथिल पड़ी थी कांग्रेस पार्टी, उसमें एक नई जान फूंकने की निश्चित तौर पर खड़गे कोशिश कर रहे हैं और उसी कोशिश का ये परिणाम है कि लगातार जिन प्रदेशों में प्रभारी नहीं है या उन कई प्रदेशों में नए प्रभारी दिए जा रहे हैं। अमित जी, पहले अविनाश पांडे और उसके बाद में अजय माकन दोनों ही प्रदेश प्रभारी रहे, लेकिन दोनों को ही साइड में करने का और साइडलाइन करने का मुद्दा एक ही था, दोनों पर ही गुटबाजी कहीं ना कहीं आंतरिक तौर पर किसी एक गुट के साथ मिल जाना या फिर किसी एक को ज्यादा अब ज्यादा किसी के साथ मुलाकात करना ये रहा, लेकिन इस बार ये सब ना हुआ और दौरे भी बढ़ते रहे लेकिन राजस्थान में जो हवाएं हैं जो सियासी सरगर्मियां हैं वो भी ना तेज हो, उसको लेकर आपको क्या लगता है, क्या अपनी ओर से अपने एंड से प्रयत्न कर सकते हैं सुखजिंदर सिंह रंधावा? सुखविंदर सिंह रंधावा की पहली कोशिश यही होगी कि जो राजस्थान में संगठन में रिक्तियां हैं, जो पद नहीं भरे गए हैं उन पदों को भरा जाए। अगर गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल जारी रखते हैं तो उनके नेतृत्व में एक बड़ा संगठनात्मक फेरबदल हो और जो चुनाव की तैयारी करे, और अभी से उस मोड में उनको जाना पड़ेगा, सुखविंदर सिंह रंधावा को उसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और वो जिम्मेदारी लेने के लिए ही उनको भेजा गया है। जहां तक बात राजस्थान में आंतरिक गुटबाजी को लेकर है उस पर विराम लगाना पड़ेगा और कोई ना कोई बड़ा संदेश कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से सुखविंदर सिंह रंधावा के जरिए राजस्थान के लोगों को दिया जाएगा कि हाईकमान का ये फैसला है, जो भी फैसला है। बिल्कुल अमित जी, आपको रोकना चाहेंगे और फिलहाल आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, कांग्रेस में बड़ा बदलाव और एक बड़ी नई पहल हुई है, सुखजिंदर सिंह रंधावा नए प्रभारी प्रदेश कांग्रेस के, क्या कहेंगे आप? हम आदरणीय रंधावा जी का बहुत स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं और जो उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस से 2023 में पुनः सरकार बनाएगी। और इस वक्त जब पूरे देश में राहुल जी यात्रा पे निकले हैं, बिल्कुल आपको रोकना चाहेंगे धर्मेंद्र जी और